दोस्तों यूपी में आंगनबाड़ी वर्कर की बम्पर भर्ती निकलकर आ चुकी है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 24,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती रहने वाले डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर एक जिला का जो है अलग अलग नोटिफिकेशन आ चुका है और आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। हम इस वीडियो में इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी को हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी किस डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म भरने का जो है लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स सबसे इंपोर्टेंट बातें हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे फॉर्म भरने से पहले, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, और इसके बाद हम जस्ट जो है एक फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आएंगे, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म भर के बता देंगे। अभी आप जो है थोड़ी देर में आप इसी चैनल पे जो है फॉर्म भरने का भी वीडियो को देख पाएंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इस भर्ती की नोटिफिकेशन के बारे में और इसके जो है सारी जानकारी के बारे में। तो चलिए फिर जानते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। देखिए ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे आगरा आंगनबाड़ी वैकेंसी 482, अलीगढ़ आंगनबाड़ी वैकेंसी 499, इधर अम्बेडकर नगर आंगनबाड़ी वैकेंसी 350, अमेठी में देखेंगे 469, अमरोहा में देखेंगे 142। इस तरह से आप देख रहे हैं ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, और कुछ वैकेंसी यहाँ पे देखेंगे तो इसका पीडीएफ नोटिफिकेशन भी आ गया है। इन सबका भी आएगा धीरे धीरे, इन सबका भी आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब जिस दिन पीडीएफ नोटिफिकेशन इन सबका आ जाएगा उस दिन से उस सबका भी आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। अभी जिसका यहाँ नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसे यहाँ देखेंगे मुजफ्फरनगर का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो इसका जो आवेदन स्टार्ट हो चुका है, इसका लास्ट डेट यहाँ लिखा हुआ कि 1 अप्रैल है। इस तरह से शामली में देखेंगे तो 2 अप्रैल लास्ट डेट रखा गया फॉर्म भरने का, इटाहा में देखेंगे तो आपका 1 अप्रैल रखा गया फॉर्म भरने का, और चित्रकूट में देखेंगे तो 12 अप्रैल रखा गया फॉर्म भरने का। तो ये अंतिम तिथि है अलग अलग जिला वाइज, और आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं उसी जिला के लिए फॉर्म को भरेंगे। अगर आपके जिला का आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है तो अभी आप वेट करेंगे, ये आपको मैं सख्त जो है यहाँ पे चेतावनी देना चाहता हूँ। अभी मान लीजिए आप फिलहाल जल्दी में आए और यहाँ रजिस्टर करके फॉर्म अप्लाई कर दिए, कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट चूज करके, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आप जिस जिला के निवासी हैं, जिस नगर पंचायत के निवासी हैं, वही से आप फॉर्म को भरेंगे। ये देखिए सारा वैकेंसी आएगा, 72 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, और अगर होगा तो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे वाराणसी में देखेंगे तो 332, उन्नाव में 601, सुल्तानपुर में देखेंगे 415, सोनभद्रा में देखेंगे 593, सीतापुर में देखेंगे 220, ऐसे करते हुए सिद्धार्थनगर, सरस्वती आंगनबाड़ी देख रहे ना, संत कबीर नगर, सांबल आंगनबाड़ी, सहारनपुर, रामपुर, रायबरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, पीलभीत, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देखिए मुजफ्फरनगर का यहाँ पे आ चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया, मिर्जापुर, मेरठ, मऊ, हर जगह का मिलेगा आपको, गोरखपुर सब जगह मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लखनऊ, कुशीनगर, इस तरह से देख रहे ना, इस तरह से कानपुर, इसके अलावा झांसी, ऐसी तरह के 72 आपको हथरस मिलेगा, हमीरपुर, गोरखपुर देखिए यहाँ पे मिल रहा है, गोंडा मिल रहा है, देख रहे ना, एबीसीडी अक्षर के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है रखा हुआ है। अब यहाँ डी से आएगा, इसके ऊपर जस्ट ई से आएगा, देखिए देवरिया, चित्रकूट, देख रहे ना, तो एबीसीडी अल्फा न्यूमेरिक इन्होंने लगाया हुआ है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, ए बी फिर सी से स्टार्ट होने वाला जिला का नाम इन्होंने लगाया हुआ है, फिर लास्ट में इस तरह से वी वाराणसी लगाया हुआ लास्ट में। तो ऐसे इन्होंने जो नोटिस को लगा दिया हुआ है आप जो है देख सकते हैं। अभी आप देखना चाहते हैं कि मान लीजिए आपका जो अलीगढ़ में है वो कहाँ कितनी वैकेंसी, तो आप इस पे टैप करेंगे, ठीक है ना, जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है आपको आ जाएगा। अब यहाँ प्रोजेक्ट का नाम, ये आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है बिजौली में 26 पोस्ट है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे बिजौली पे तो यहाँ पे आप देख जाएगा कि आपको जो है पंचायत कौन सा है, तो इस पंचायत में देखेंगे एक पद है, ठीक है, अलग अलग पंचायत वाइज वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप जिस ग्राम पंचायत के निवासी है उसी पंचायत से ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, समझ में आ गया ना। अब आपको बताते हैं कि आप इस वेबसाइट पे कैसे आएंगे, नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे और इस वैकेंसी को कैसे देखें। यहाँ देखिए लाइव अपडेट में आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती देख रहे ना 2024, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती, यहाँ जल्दी करें आवेदन। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना, जैसे आपके सामने इस प्रकार से जो है इसके बारे में जानकारी खुल जाएगा, आप जानकारी को पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि आप 12वीं पास होने चाहिए, और देखिये इस तरह की भर्ती जो भी होती है ना उसमें कोई आपको जो है ना एग्जाम नहीं होता है, सीधे आपके जो है ना मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने जो है दे रखा हुआ है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, सीधे आप इस पे क्लिक करके भी इस डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपको अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए अप्लाई लिंक है, अप्लाई लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं।
यहां से आप जो है डिटेल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, एक सबसे इंपोर्टेंट बात, आप यहां से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा ना कि मैं आपको जिस जिस जिला का आएगा नोटिफिकेशन, उस जिला का जो है हम अलग से आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, बता देंगे कि इस जिला का आंगनबाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन शुरू हो गया है। चलिए अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे। अप्लाई लिंक पे क्लिक करते इस प्रकार से देखिए आपका जो फॉर्म खुल जाएगा और यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इस भर्ती की जानकारी के बारे में बताऊंगा, न कि फॉर्म भरने का प्रोसेस बताऊंगा, इसका भी प्रोसेस लेकर आएंगे। अब हम आपको जो है कुछ नोटिफिकेशन को डाउनलोड किए हुए हैं, हम उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपको विज्ञप्ति को थोड़ा सा बताएंगे ताकि आप और जो है समझ सके इस भर्ती के बारे में। पहले हम एक मुजफ्फरनगर का जो है डाउनलोड किए हुए इसको हम पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है और कौन लोग फॉर्म भरेगा, इसमें क्या जानकारी दी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने परियोजना का नाम लिखा हुआ है, ग्राम या शहरी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की संख्या इन्होंने लिखा हुआ है। पंचायत राज देखना चाहते तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से देखेंगे, 287 पोस्ट है इसमें और इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म को भरना है। केवल महिला अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्र होंगे, कम से कम आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई होने चाहिए। यहाँ पे आपका उम्र बोला गया 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1/1/2024 को आपकी उम्र की गणना किया जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि आपका जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का वो 1 अप्रैल 2024 है, देख सकते हैं, और 12 मार्च 2024 से इसका आवेदन जो स्टार्ट कर दिया गया है। इसके बाद से और इसमें कुछ खास जानकारी नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मुजफ्फरनगर का। अब हम बात करते हैं दूसरे जिला का, चित्रकूट की बात करें तो इसमें देखेंगे तो 221 पद है। इसी तरह से हर जिला का नोटिफिकेशन आएगा और जिस जिला का नोटिफिकेशन यहाँ दिखेगा ना कहाँ पे, यहाँ पे, उसका समझिए आवेदन स्टार्ट हो गया है। अगर मुजफ्फरनगर से आप आते हैं तो मुजफ्फरनगर का यहाँ देखेंगे स्टार्ट हो गया, इसका लास्ट डेट ये है। शामली का देखेंगे स्टार्ट हो गया, इसका लास्ट डेट ये है। इटावा का देखेंगे स्टार्ट हो गया, इसका ये है। चित्रकूट का स्टार्ट हो गया, इसका ये है। तो ऐसे करके रोज 2, 4, 5, 10 यहाँ एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेंगे और जिसका इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे नोटिस वाले बोर्ड पे, तो समझिए आपका जो उस डिस्ट्रिक्ट का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी तो इन्होंने दे दिया हुआ है लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे सबका जो है स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ऐसे हम जो है आपको बता रहे हैं ताकि आप इस चीजों को समझ सके। तो इस तरह से चित्रकूट में देखेंगे आवेदन स्टार्ट है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आवेदन करेंगी। देखिए जो नोटिस है ना, जो एज लिमिट है वो सबके लिए सेम है। हाँ, अप्लाई डेट अलग अलग हो सकता है, एज लिमिट सेम है, क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम है और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सबके लिए सेम यहाँ लगेगा। देखिए ये भी इसी में भी वही सेम जानकारी लिखा हुआ है, बस यहाँ पे नंबर वैकेंसी अलग है, देख रहे ना, और इंपोर्टेंट डेट अलग है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली वैकेंसी जो हम बात करने वाले हैं ये इसके बारे में। इसमें थोड़ा इटाहा में कुछ अलग जानकारी लिखा हुआ है ताकि हम इसको आपको बता सके। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आवेदिका, मतलब लेडीज ही फरेगी, को रिक्त पद के वार्ड या ग्राम सभा का निवासी एवं ग्राम सभा के उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की निवासी होना अनिवार्य है। मतलब क्या कि आप जिस वार्ड में, जिस ग्राम सभा में आते हैं, उस ग्राम सभा में वैकेंसी है तो आप फॉर्म भरिएगा, नहीं उस सभा में वैकेंसी है तो उस पंचायत में वैकेंसी है तो फॉर्म भरिएगा, अगर ये भी नहीं है तो फिर आप नहीं एलिजिबल हैं। यानी आपको आवेदन तभी करना है जिस, मतलब परियोजना में आपका जो है सीट है, देख रहे ना, आप यहाँ का निवासी भी आप होना जरूरी है। जब तक आप निवासी नहीं रहेंगे तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब यहाँ दिखा हुआ वरीयता, मतलब सिलेक्शन आपका कैसे होगा, ये सबसे इंपोर्टेंट बातें हैं। तो सिलेक्शन में आप देखेंगे तो उस ग्राम सभा या वार्ड, शहरी क्षेत्र के निवासी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, विधवा महिला, विधवा तालिकशुदा, परित्यक्ता महिला को जो यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब अगर इस प्रकार कोई महिला है ना उनको ज्यादा जो है प्रेफरेंस मिलेगा सिलेक्शन में। विधवा महिला, विधिक तलाकशुदा, परित्याग महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा शहरी की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अन्य महिला को भी यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाला है। उपयुक्त अनुसार सभी न मिलने पर गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार महिलाओं को यहाँ पे सीट को दे दिया जाएगा। उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्त श्रेणी वार चयन किया जाएगा। यानी जिस ग्राम सभा से आप आवेदन दे रहे हैं उसमें अगर कोई बंदा पात्र नहीं है तो फिर वो पंचायत स्तर पर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पंचायत। अब एक पंचायत में बहुत सारे ग्राम सभा हो सकते हैं, देख रहे ना, तो ये सारी चीजें हैं आप देखेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है कि आय के संबंध में, अब देखिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नोट में करके लिखा गया। अब ये सभी जिला के लिए लागू हो रहा है, ये नहीं मैं किसी एक के लिए बता रहा हूँ, आप किसी भी जिला से आते हैं तो सबके लिए सेम यही रूल लागू होगा। बोला गया कि आपकी जो है आय जो है संबंधित तहसील द्वारा होना चाहिए जो 6 महीना से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। यानी लेटेस्ट आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है, फिर आपको निवास सर्टिफिकेट मांगा गया है और जाति प्रमाण पत्र आपको मांगा गया है।
और ये भी तहसील से ऑनलाइन जो बनता है वही वाला आपको वैलिड यहाँ पे बोला गया है। तो आप देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो आपका आधार कार्ड लगेगा, ये सबसे इंपोर्टेंट बातें हैं, 10वीं और 12वीं की जानकारी लगेगी, इसके बाद से जाति बोला गया है, जाति, फिर आपका निवास लगेगा, फिर आपका आय लगेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप जो है क्या करेंगे, बनवा के रखेंगे, जैसे आपके जिला का आवेदन स्टार्ट होगा प्रॉपर आप आवेदन कर लेंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके रहने वाले हैं, जाति, निवास, आय, 10वीं 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, बाकी फोटो सिग्नेचर आपके पास होता है तो हमेशा उपलब्ध रहता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे, लगाएंगे और फॉर्म को आवेदन करेंगे, देख रहे ना। तो ये फ्रेंड्स आपकी है इंटरमीडिएट जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसी तरह से आप दूसरा जिला का भी देखना चाहते हैं तो आप यहीं से जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने जिला का, जिसे से यहाँ पे आएगा आपको यहाँ पे जो है जानकारी जो है उपलब्ध होती जाएगी। मैं एक चित्रकूट का भी डाउनलोड करके देख लेता हूँ, ये देखिए चित्रकूट वाला में देखेंगे तो इसमें 221 पद है, देख रहे ना, और सेम वही जानकारी है इसमें भी उम्र सीमा आपका 1835 वर्ष है, हर एक जिला का उम्र सीमा 1835 ही रखा गया है। हाँ, अप्लाई डेट में थोड़ा सा बदलाव हो सकते हैं, हर जिला का अलग अलग अप्लाई डेट हो सकता है, लेकिन क्वालिफिकेशन, उम्र सीमा, डॉक्यूमेंट्स ये सब सबके लिए सेम है और चयन प्रक्रिया भी सबके लिए सेम है। तो आशा करता हूं आपको जानकारी समझ में आया होगा, आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स इसका आवेदन स्टार्ट होता है, हालांकि आवेदन स्टार्ट हो ही गया है, रजिस्टर पे क्लिक करके हम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या हमको इसके ऊपर वीडियो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, कि फॉर्म फिलअप वाला कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम एक प्रॉपर वीडियो शूट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म भर के बता देंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।